हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं कंप्यूटेक्चर। दोस्तों अगर आप लोग भी दुबई के अंदर रहते हैं, आप लोग को भी अपने मोरा ऐप के ऊपर अकाउंट बनाना है। आप लोग को मालूम नहीं कि आप लोग मोरा ऐप के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने मोरा ऐप के ऊपर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप लोग ने वीडियो थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग ऐसे ही कॉन्टेंट लेके आते रहते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। और तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे मोरे लिख के सर्च कर देना है। तो आप लोग के सामने यहाँ पे जो फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है, तो आप लोग को ये वाला एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। जब तक ये मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। जैसे ही ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो आप लोग को इसे सिंपली ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो मैं यहाँ से अपना इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँगा। और आप लोग से यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप लोग को जितना भी परमिशन मांगता है सब में अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद फिर आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आप लोग को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग यहाँ से चाहें तो यहाँ पर नेक्स्ट कर करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधे इसे स्किप कर दीजिए। स्किप करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। पहला तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन अप और दूसरा दिया हुआ है साइन इन। तो अगर आप लोग ने यहाँ पे अकाउंट बनाया होगा तो आप लोग को साइन इन करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप लोग को यहाँ से साइन अप वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ से साइन अप वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अगर आप लोग एम्प्लॉयमेंट भी जाए तो आप लोग को यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय वाला दिया हुआ है, तो आप लोग को इस एम्प्लॉय वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे इस एम्प्लॉय वाले पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर भी, तो आप लोग को यहाँ से इस पे रजिस्टर करना है, मेरे आईडी पासपोर्ट या फिर लेबर कार्ड। तो मुझे यहाँ पे पासपोर्ट पे करना है तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट पे करूँगा। आप लोग को जिस पे भी करना है आप लोग यहाँ से क्लिक करके उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद मुझे पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आप लोग को यहाँ से अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस कंट्री से हैं। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी दुबई का नंबर है, तो आप लोग को यहाँ पे अपना दुबई का नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो आप लोग को यहाँ पे नंबर डालने के बाद आप लोग को यहाँ से बोलेगा कैप्शन भरने के लिए, तो आप लोग को यहाँ से कैप्शन भर देना है जो भी यहाँ पे कैप्शन दिया हुआ है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला दिया हुआ है, तो आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा मोबाइल नंबर स्टेंट विथ अकाउंट, मतलब उससे अकाउंट से जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो आप लोग के मोबाइल पर फिर एक OTP आएगा और आप लोग का जो भी OTP आएगा यहाँ पर आके कॉपी कर देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा नाम है सब कुछ यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे ये यह मेरा यूजर नेम और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड पे बनाना है। चलिए मैं अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड यहाँ पे बना के आप लोग से मिलता हूँ। तो आप लोग का यहाँ पे अपना यूजर नेम और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ईमेल और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना कन्फर्म ईमेल डालने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे सेलेक्ट क्वेश्चन वाले पे क्लिक करना है। और आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इजी लगता है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट कंट्री, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना आंसर दे दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पे आंसर दूँगा फिर ये यहाँ पे मुझे दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग को भी यहाँ से जो भी चाहिए आप लोग यहाँ से वो वाला क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो ये दूसरे वाले में मुझे अपना ये जो क्वेश्चन है मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो मुझे अपना यहाँ पे कोई सा भी एक फेवरेट कलर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन डाल दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा और यहाँ से सेव करने के लिए बोल रहा है,
गूगल पासवर्ड में, तो यहाँ से मैं सेव कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करके सेव करूँगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर सक्सेस, प्लीज चेक योर ईमेल और कंफर्म एक्टिवेट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पे मोहरम मेंबर रजिस्टर वाला यहाँ पे आ गया हुआ। तो मुझे यहाँ पे चेक हियर टू चेक द ईमेल वाले पे क्लिक कर देना है और क्लिक मेरा पूरा ये जो मेरा कार्ड है यहाँ पे बन के आ चुका है और मेरा यहाँ पे जो अकाउंट है एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर कृष्णानंद पांडे, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, कैन यू मोरा एप्लीकेशन। तो यहाँ से ये मेरा मोरा एप्लीकेशन का यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत ही आसानी से आप लोग भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।